डॉक्टर का मैजिक। दो भागों में बंटे बच्चे के सिर को काटकर बनाया एक यूपी के इलाहाबाद में एक चिकित्सकीय चमत्कार का कारनामा हुआ है। दो हिस्सों में बंटे एक 6 महीने के बच्चे के सिर को ऑपरेशन कर एक कर दिया गया है। ये कारनामा इलाहाबाद के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रकाश खेतान ने किया है। 2011 में 8 घंटे के लंबे ऑपरेशन से एक मरीज के सिर से 296 सिस्ट निकाल कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके डॉक्टर खेतान ने ये नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार हिंदुस्तान में हुआ ऐसा ऑपरेशन। डॉक्टर खेतान ने बताया कि इस तरह के सफल ऑपरेशन पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। दुनिया में आज तक सिर्फ ऐसे 3 ही मामले आए हैं। इस ऑपरेशन को विश्व रिकॉर्ड के तौर पर स्वीकृत करने के लिए ऑपरेशन डिटेल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा जा रहा है। क्या है बीमारी? मेनिन्जोइनकी कैलोसिल नाम की इस बीमारी में मरीज का सिर 2 भागों में बंट जाता है। धीरे धीरे सिर का वजन शारीरिक क्षमता में कहीं ज्यादा हो जाता है और मानसिक विकास नहीं हो पाता। इसमें मरीज की मौत तक हो सकती है। 4 घंटे तक चला ऑपरेशन। जब पहली बार 2 भाग में बंटे सिर का ये केस डॉक्टर खेतान के पास पहुंचा, तो सिर का सीटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के सिर के ऊपरी हिस्से की हड्डी ही नहीं बनी है। ये जन्मजात प्रॉब्लम अब बच्चे के दिमाग की नसों पर भी दबाव डाल रही थी। इसका इलाज ऑपरेशन ही था, लेकिन ऑपरेशन में बच्चे की जान बचाना सबसे कठिन काम था। फिलहाल ऑपरेशन शुरू हुआ 4 घंटे के बाद रूम से डॉक्टर बाहर निकले तो बताया ऑपरेशन सफल रहा और 2 सिर को 1 सिर में बदल दिया गया। अब 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन होगा और सिर को नॉर्मल शेप दिया जाएगा। बच्चे का ऑपरेशन। डॉक्टर प्रकाश खेतान के साथ डॉक्टर सुषमा खेतान, डॉक्टर योगेंद्र बघेल, डॉक्टर सुनील कन्नौजिया, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर गोविंद प्रसाद, डॉक्टर आर डी सोनकर और डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल शामिल रहीं। बच्चे के पिता के पास नहीं थे पैसे, सिर्फ 25,000 में किया ऑपरेशन। बच्चे के पिता मोहम्मद आफताब वेल्डिंग का काम करते हैं और उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं थे। वैष्णवी अस्पताल के डॉक्टर प्रकाश खेतान ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन को 25,000 रुपए में किया। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है।